मैं हूं पंकज और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइटम को प्रेस कर दो। तो मैं जी सिनेमा अवार्ड 2023 के बारे में बात करने वाला हूं। जी हां, कार्तिक आर्यन यहां पर आए हुए हैं। तो उसने क्या बोले आपको मैं बता रहा हूं। मैं बस खुश हूं जब भी काम की तारीफ की जाती है। पिछले साल मेरे लिए और इस साल भी मेरे लिए अच्छा रहा है। जिस तरह ऑडियंस का प्यार मिला है, और मैं उसने और भी बोला कि मैं भी नॉमिनेट में हूँ। तो सो बिग क्रॉस, जो अंदर जाने के बाद पता चलेगा क्या होने वाला है। आई होप, आई एम वेरी एक्साइटेड पार्ट ऑफ जी सिनेमा अवार्ड 2023 जो और फिर उसने सत प्रेम की कथा जो आने वाली है वो पूरी हो चुकी है और इसी साल रिलीज होने वाली है। और जो बहुत करीब है वो स्क्रिप्ट और रोमांटिक फिल्म है, ऐसा उसने बोला। और इसमें और बहुत सारे जी सिनेमा अवार्ड में आए थे, आलिया भट्ट और पुष्पा की हीरोइन रश्मि मंदाना जो बहुत कुछ अलग ही दिख रही थी। जो चार चांद जी सिनेमा अवार्ड में लगा दिया है, उनकी तो लुक तो वेरी लोग बहुत पसंद कर रहे थे। रश्मि मंदाना जिस तरह से वो और उनके जो साउथ के हीरो थे जो अलग ही माहौल लेके आ रहे थे। और रश्मि मंदाना इज ए गुड और जो डेफिनेटली और ये इस बार मुझे लगता है कि जी सिनेमा अवार्ड इस बार कुछ अलग ही करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि एक सरप्राइज है और जिस तरह से उन लोगों ने और बहुत सारे ऑडियंस का है। और तो आई होप हम जो पहली बार चैनल में आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस तरह से हमारे वीडियो आते रहेंगे। और जो भी है वो आपको देखने को मिलेंगे और हमारा जो भी वीडियो है वो ओके। तो थैंक यू वेरी मच। अब लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना जी सिनेमा अवार्ड। आई होप, थैंक यू वेरी मच।